2022 को लेकर बड़ा अपडेट, आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच है कांटे की टक्कर। आईपीएल सीजन 15 के 33वें मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग की टीम आमने सामने होगी। ये मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। वही चेन्नई 6 में से मात्र एक मैच जीतकर 9वें और मुंबई अपने सभी 6 मैच हारकर 10वें तथा आखिरी स्थान पर है। वह इस मुकाबले को जीतने वाली टीम को यहाँ पर जो टीम जीतेगी उसकी उम्मीद बनी रहेगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर इस आईपीएल से खत्म हो जाएगा, यानी इस आईपीएल से सफर मुश्किल हो जाएगा। वहीं पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 48 गेंदों में 73 रन की पारी खेलकर चेन्नई के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ आखिरकार फॉर्म में लौट आए हैं। वहीं पिछली बार 2021 में वे मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी खेले थे तो उन्होंने 58 गेंदों में 88 रन की पारी खेली थी। दूसरी तरफ मुंबई के सूर्य कुमार यादव ने अब तक इस सीजन में अपने सभी मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। पहले कुछ मैचों में नहीं खेलने के बावजूद उन्होंने अब तक यहाँ पर मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, जहाँ उनके नाम पर 153.84 के स्ट्राइक रेट से 200 रन है। वही सीएसके के खिलाफ अपनी पिछली 8 पारियों में उन्होंने 4 बार यहाँ पर 40 से ज्यादा रन बनाए हैं। वही सीएसके के ओपनर रोबिन उथप्पा अब तक अच्छी लय में दिखे हैं। उन्होंने 6 पारियों में 152.71 के स्ट्राइक रेट से 157 रन बनाए हैं। वो सीजन के ओपनरों में सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट वाले ओपनरों में से एक है। वही पिछली बार जब वे मैदान पर खेले थे तो उन्होंने यहाँ पर आरसीबी के खिलाफ 50 गेंदों में 88 रन की पारी खेली थी, जिसमें 9 छक्के उन्होंने लगाए थे। वही चेन्नई के मोइन अली अब तक के यहाँ पर चेन्नई के जो मोइन अली वो अब तक कुछ खास फॉर्म में नजर नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने 48 और 35 रनों की दो अहम पारियां यहाँ पर इस बार खेली है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। पिछले 3 मैचों में उन्होंने 2 बार 50 या उससे ज्यादा स्कोर किया है। वही श्रीलंका के मिस्ट्री स्पिनर महेश दीक्षा अब तक यहाँ पर शानदार प्रदर्शन उनका आईपीएल में रहा है। पिछले 2 मैचों में उनके आंकड़े यहाँ पर 4/33 और यहाँ पर 24/2 रहा है, जिनमें 4 विकेट तो पावर प्ले में यहाँ पर आए हैं, जिससे वे इस सीजन के पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट डालने खिलाड़ी हो गए। यानी एक मैच में उन्होंने यहाँ पर 4 विकेट लेकर 33 रन देकर 4 विकेट चटके थे, वही एक मैच में उन्होंने 24 रन देकर 2 विकेट चटके थे। वही पिछले 15 T20 मैच में उन्होंने 7.15 की इकोनॉमी से यहाँ पर 23 विकेट लिए हैं। वह तिलक वर्मा ने अपने प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस के मध्यम क्रम को मजबूत किया है। उन्होंने 6 पारियों में 147 की स्ट्राइक रेट से 83 रन यहाँ पर बनाए, यानी 183 रन बनाए हैं। वही 183 में से 161 रन तो मध्य ओवरों में यहाँ पर आए, जिससे वह मैच के इस पेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। वहीं इन खिलाड़ियों के अलावा मुंबई को अपने कप्तान रोहित शर्मा और पोलार्ड की वापसी की काफी उम्मीद रहेगी। वही दोनों का बल्ला टूर्नामेंट में अब तक यहाँ पर खामोश रहा है। वह मुंबई के सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन पहले मैच को छोड़कर अगले 5 मैचों में कुछ खास वो नहीं कर पाए हैं। वह मुंबई की गेंदबाजी भी उतनी सशक्त नजर नहीं आ रही है। वही दीपक चाहर के आईपीएल से बाहर हो जाने के बाद चेन्नई का पावर प्ले और डेट ओवरों में आक्रमण जो है वो कमजोर पड़ जाता है। वही चेन्नई ज़्यादातर अपने शीर्ष कम पर बहुत हद तक यहाँ पर निर्भर है। अगर टीम बड़ा स्कोर बनाती है तो विपक्षी टीम को दबाव में डाल सकती है। वही इस मुकाबले का परिणाम दोनों टीमों के लिए यहाँ पर समन्वित प्रदर्शन पर ज़्यादा निर्भर करेगा, लेकिन इसके लिए चेन्नई और मुंबई दोनों को यहाँ पर बेहतर खेल का प्रदर्शन इस मैच में यहाँ पर करना होगा। बात करते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की, तो मुंबई की प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान, ईशान किशन, डेविड ब्रेविस और इसके अलावा यहां पर डिवॉल ब्रेविस और तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, कैरन पोलार्ड और जयदेव नकट, मुर्गन अश्विन और जसप्रीत बुमराह और ताइमल मिल्स इस टीम में हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 की, ऋतुराज गायकवाड़ और रोबिन उथप्पा, मोइन अली, शिवम दुबे, रायडू, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा और ब्रावो और इसके अलावा यहाँ पर और इसके अलावा यहाँ पर महेश दीक्षा और मुकेश चौधरी इस टीम की प्लेइंग 11 में आज हो सकते हैं।